क्लास में आज आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग ट्रिपल सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। आज आपके लिए लेके 100 क्वेश्चन हम आए हैं, जिसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, जो कि अप्रैल और मई के सेक्शन में ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। जो कोर कंटेंट है एक एक करके हम लोगों ने तैयार किया है, और उम्मीद करूंगा कि अगर आप लोग इस टॉपिक को अगर अच्छे से मेंटेन करते हैं तो 70-80% आपके मार्क्स इस बार आने वाले हैं अप्रैल और मई के सिलेबस में। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। तो आपकी स्क्रीन पे बच्चों देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन आ गया है, लिखा हुआ है विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली के लिए प्रयोग किया जाता है। अदला बदली का मतलब होता है बच्चों, अगर हमारा इसमें दो प्रोग्राम खुले होते हैं तो अलग अलग प्रोग्राम को हमको बारी बारी से खोलना होता है, तो अल्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। तो आपका जो सही विकल्प है वो है बच्चों अल्ट प्लस टैब। अगर आप दो प्रोग्राम खोल लेते हैं, उन प्रोग्राम को अगर बारी बारी से खोलना चाहते हैं, तो वहां पे अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने, अगला क्वेश्चन है एक ही बार में सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। सभी को मिनिमाइज करना हो तो सीधा सीधा बच्चों कीबोर्ड से दबाना है विंडो के साथ एम। ऐसे आप विंडो के साथ एम दबा देंगे तो आपका प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएगा, जो भी प्रोग्राम आपका ओपन होगा। फिलहाल बच्चों विंडो डी से भी होता है, लेकिन विंडो डी से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों चीजें होती हैं। जबकि इन्होंने पूछा है कि एक ही बार में सभी विंडो को मिनिमाइज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, जबकि मैक्सिमाइज करने की नहीं पूछा है। इसलिए आपका सही विकल्प है सी नंबर, दूसरे का सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने, लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस में निम्नतम जूम कितना होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन गलत है, इन्होंने ए पर टिक किया है, जबकि ऑलरेडी बच्चों होता है 20%। आप किसी क्वेश्चन पर नहीं जाएंगे, आप सीधा सीधा लिब्रे ऑफिस में जाएंगे, आप वहां पे जाके चेक कर लेंगे कि मिनिमम जूम कितना होता है। न्यूनतम का मतलब बच्चों मिनिमम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है बच्चों, लिखा हुआ है एक डिफॉल्ट फ्रेम रेले वैन को किस प्रकार भौतिक नेटवर्क रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये ऑप्शन इसका सही विकल्प है बच्चों, गैर प्रसारण मल्टी एक्सेस के द्वारा इसको एक्सेस किया जा सकता है। एक एक बच्चों स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, और अपना पेन और कॉपी लेकर बैठिए और इसको नोट करते जाइए। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, उतना आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इस बार अप्रैल और मई के ट्रिपल सी सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये आ गया है बच्चों पावर पॉइंट से क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है, निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है। ये सारे ट्रांजिशन प्रभाव हैं फैड थ्रू बैक ब्लाइंड वर्टिकल, जबकि ब्लिंक्स डायगोनल्स नहीं होता है। ये ऑलरेडी ऑप्शंस नहीं है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है अंडरलाइन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। अंडरलाइन के लिए आप लोग तो ऑलरेडी जानते ही हैं अंडरलाइन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सिंपल शॉर्ट की इन्होंने पूछी है, कंट्रोल प्लस यू। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, ASCII का कितने बिट का होता है। ये अमेरिकन एक कोड है, एक टेक्स्ट है, जो कि ये कितने बिट का होता है बच्चों, ये 7 बिट का होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, सेल को ऐड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऐड मतलब जोड़ने की कुंजी क्या होती है। अगर हमें एक सेल से कई सेल जोड़ना हो तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है।
बच्चों कीबोर्ड से अगर आप दबाते हैं कंट्रोल प्लस प्लस, जैसे आप कंट्रोल प्लस प्लस दबाते हैं तो आपके लिए इंसर्ट सेल का एक ऑप्शन आ जाता है, और जबकि कंट्रोल प्लस माइनस दबाते हैं तो डिलीट करने का आ जाता है। कंट्रोल टू होता है बच्चों डबल डबल स्पेस की शॉर्टकट की होती है, तो आपका जो सही विकल्प है बच्चों कंट्रोल प्लस प्लस होगा ऐड करने के लिए। अगर डिलीट करने के लिए पूछता है तो सीधा कंट्रोल प्लस माइनस बताएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्टार्टअप योजना किसके द्वारा किसके लिए शुरू की गई थी? स्टार्टअप योजना उद्यमियों के लिए शुरू की गई थी, तो सही विकल्प बच्चों ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर रोबोटिक निम्न में से किसके समान होता है? एक वर्चुअल वर्कर के लिए होता है, सही विकल्प इसका बच्चों ये होगा। सही विकल्प है वर्चुअल वर्कर। अगला क्वेश्चन बच्चों, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? उमंग ऐप 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है, तो इसका सही विकल्प होगा 13 बच्चों। EMEI कोड कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है, ये EMI कोड 15 डिजिट का होता है। आप जब भी फोन को ओपन करेंगे, फोन के अंदर जाइएगा, उसे देखिए कि बैटरी के पीछे EMI कोड पड़ा होता है, ये मशीन एक्सेस कोड होता है। लिनक्स क्या है? तो इसका जो सही आंसर इन्होंने बनाया है, ये गलत बनाया है बच्चों। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि इनमें से ऑप्शन कोई नहीं है। वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, ये तो सब कुछ एक तरीके के ब्राउजर हैं, साइट है। अगला बच्चों, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बच्चों जो लिब्रा से क्वेश्चन आया है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी। RTGS का मैक्सिमम लिमिट कितना है? जी बच्चों, ट्रांजेक्शन का जो होता है, जो CSC वगैरह ले रखे होते हैं उनका लेन देन के लिए होता है, तो मैक्सिमम लिमिट कितना है, तो यहाँ पे बताया गया है कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी लेन देन कर सकते हैं प्रतिदिन। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, सेपरेट सीट। आप जानते हैं कि इम्प्रेस एक तरीके का प्रेजेंटेशन होता है, तो आपको तो ये आइडिया होगा क्योंकि इम्प्रेस प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं। जैसे स्कूल कॉलेजेस का किसी का प्रेजेंटेशन बनाना हो तो इसी के जरिए बच्चों बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने, गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या एक सर्च इंजन है, एक वेब ब्राउजर है, एक वेबसाइट है, इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये तो सभी को पता है, गूगल क्रोम एक तरीके का वेब ब्राउजर है जिसके जरिए हम लोग गूगल या किसी भी सर्वर साइट को सर्च करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने, लिब्रा ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? लिब्रा ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? ये तो बच्चों सभी को पता होगा कि नॉर्मल व्यू होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, 20 क्वेश्चन में हम बच्चों आ चुके हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने को क्या कहते हैं? बॉटम लाइन, टॉप लाइन, ब्लू लाइन, अंडरलाइन। तो ये बच्चों सभी को पता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंडरलाइन सही विकल्प है, अंडरलाइन। कॉमर्शियल पेपर CP जैसे फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है बच्चों, तो CP का फुल फॉर्म होता है कमर्शियल पेपर। भारत में कब शुरू हुआ? ये सभी को पता है, 1990 में शुरू हुआ था। नहीं पता बच्चों
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए और सॉल्व करते रहिए। कोई डाउट होता है तो लास्ट क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला बच्चों क्वेश्चन है 22, प्रेजेंटेशन में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसका बच्चों सही विकल्प है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जब आप ईमेल बड़े अक्षरों में लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब होता है कि ईमेल पर आप चिल्ला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की मेमोरी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की मेमोरी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? ये सभी को पता है बच्चों, वैकम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। जबकि आप लोग जानते हैं कि सेकेंड पीढ़ी में IC का प्रयोग किया गया, पंचकार्ड का प्रयोग किया गया, प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। तो आपका जो सही विकल्प है बच्चों वो है आपका वैकम ट्यूब। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जिस स्थान पर कॉलम और रो को एक दूसरे को काटते हैं वो क्या कहलाता है? वो क्या बन जाता है, सॉरी वह पर क्या बन जाता बनता है? तो उसका सही विकल्प है सेल, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेल। अगला क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस राइटर का एक्सेप्शन क्या होता है? ये तो सभी को पता है, ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। FPS का पूरा नाम क्या है? FPS का पूरा नाम है फ्रेम्स पर सेकेंड। तो इसका सही विकल्प है ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लिब्रा ऑफिस में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रा ऑफिस में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बच्चों फिलहाल हाइपरलिंक की कोई शॉर्टकी में बदलाव नहीं किया गया। माइक्रोसॉफ्ट में भी कंट्रोल के होती थी और अदरवाइज लिब्रा में भी कंट्रोल के ही होती है। अगला क्वेश्चन है, रिमूव डायरेक्टरी के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है? रिमूव डायरेक्टरी का मतलब होता है RD इस्तेमाल की जाती है। तो ये बच्चों DOS से नहीं है, ये लिनक्स से है, इसलिए लिनक्स की कमांड है ये। यानी C नंबर इसका सही विकल्प है। अथेनेशन का क्या अर्थ है? सेंडिंग, सर्चिंग, यूजर वेरिफिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन। किसी चीज का अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो उसके लिए हमें यूजर से वेरिफिकेशन मांगना होता है। तो इसका सही विकल्प है यूजर वेरिफिकेशन। CUI का आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, विंडोज, यूनिक्स, MS-DOS। तो CUI एक करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है बच्चों, तो ये टेक्स्ट बेस है तो इसलिए MS-DOS इसका सही विकल्प है। ATM का पूरा नाम क्या है होता है? ATM का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका सही विकल्प है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये तो सभी को पता है बच्चों। अगला क्वेश्चन, अतुल्य भारत ऐप किससे संबंधित है? पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है बच्चों। ये सब GK से जुड़े क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इनको आपको पढ़ना होता है और याद करना होता है। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर के मेन मेनू में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बच्चों मेन मेनू में जाने के लिए विंडो की दबाते हैं। जैसे आप विंडो की दबाते हैं तो आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है, उसे ही कहते हैं बच्चों मेन मेनू।
दोनों सेम है, इन्होंने गलत यहां से छापा है, यहां थोड़ा सा इनको चेंज करना चाहिए था टॉपिक, तो दोनों सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दूसरी की हो सकती है। गलत क्वेश्चन बच्चों ये छप गया थोड़ा सा। अगला ऑप्शन, कंट्रोल बड़ा ब्रैकेट्स का प्रयोग करने पर फॉन्ट साइज कितना बढ़ता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि एक एक पॉइंट सी बढ़ता है वहां पे, एक एक पॉइंट सी बढ़ेगा, जितनी बार आप प्रेस करेंगे वहां पे एक एक पॉइंट्स बढ़ेगा। लिब्रा आप सॉफ्टवेयर खोलिए और वहां पे किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ बड़ा ब्रैकेट्स प्रेस करिए, तो आप वहां वैल्यू को देखते जाइए साइज के पास, उससे पता चलता रहेगा कितना बड़ा साइज हो रहा है, कितने कितने पॉइंट्स होता है, एक एक पॉइंट्स होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ओटीपी कितने समय के लिए वैध है, होता है ओटीपी कितने समय के लिए वैध होता है, 10 मिनट्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, हम 37 क्वेश्चन में बच्चों शिफ्ट हो गए हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में लास्ट रो और कॉलम नेम क्या होता है। तो बच्चों इसका सही विकल्प है AMJ, यानी ए वाला सही है, 10,48,576, लास्ट में AMJ। ये आपको याद रखना होगा, अगर याद रखेंगे तभी आप इसको टिक कर पाएंगे, ये क्वेश्चन आने के इस बार चांस है। 38 क्वेश्चन है बच्चों, आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। आधार कार्ड को तो सभी को पता है बच्चों, क्योंकि सभी के पास आधार कार्ड है, तो आपको तो पता होगा कि 12 डिजिट का ही होता है। QR कोड का मूल्यांकन स्कैन किसके द्वारा किया जाता है, कैमरा के द्वारा, नेटवर्क केबल के द्वारा, सेंसर के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो ये तो बच्चों सभी को आइडिया है कि कैमरा के द्वारा QR कोड को स्कैन किया जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है, मैट्रिक्स का, लेजर प्रिंटर का, इंपैक्ट का, मैनुअल का। मैनुअल डेजी व्हील प्रिंटर एक मैनुअल प्रिंटर का प्रकार है, सॉरी इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, तो आप इंपैक्ट प्रिंटर पर टिक करिएगा। यूपीआई का उपयोग एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं, यूपीआई एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं। यूपीआई एक ऑनलाइन सेवा है बच्चों, तो इसका यूज हम लोग 2400 घंटे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एचटीएमएल का प्रयोग बनाने रेड डेस्क बनाने के लिए किया जाता है, एक खाली पेज, एक वेब पेज, एक स्लाइड, इनमें से कोई नहीं। बच्चों ये तो सभी को पता है कि एचटीएमएल पर एक वेब पेज बनाए जाते हैं, वेबसाइट डिजाइन की जाती है। लिब्रा ऑफिस कैल्क में पीछे वाली रो पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे जाने के लिए तो बच्चों टैब का प्रयोग किया जाता है, पीछे आने के लिए बच्चों शिफ्ट टैब का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर एक ही समय में किसी संदेश को बहुत सारे लोगों को भेजना हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्वेश्चन है और लिब्रा ऑफिस राइटर का क्वेश्चन है। अगर हमको एक साथ कई लोगों को लेटर भेजना होता है तो हम लोग मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। URL का पूरा नाम क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बच्चों इसका सही विकल्प है ए, सही से नोट कर लीजिए, जी कई बार पूछा गया है। इस फॉर्मेट में सेव किया गया दस्तावेज केवल देखा जा सकता है लेकिन एडिट नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा। और DOC पर भी ये संभव है कि देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ODT पर, ODT तो लिब्रा का है, DOC माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, नन का मतलब कुछ नहीं। PDF, PDF ऐसी चीज होती है जिसको केवल हम देख सकते हैं, ना कि उस पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रैम का कार्य नहीं है, रैम का कार्य नहीं है, रैम के कार्य, रैम तो रीड भी करती है, राइट भी कर सकती है, रीड राइट दोनों करती है, ये डिपेंड अब
अपॉन कंप्यूटर नहीं कर काम करती है, ये सारी चीजें नहीं होती इसके अंतर्गत। यानी ये सही गलत विकल्प है लेकिन सही यही है। लिब्रा ऑफिस का बाय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम कौन सा होता है? ये सभी को पता है बच्चों, ओडीटी होता है। इस पोर्ट के माध्यम से पेन ड्राइव को किस कंप्यूटर से जोड़ा जाता है? पैरेलल पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, सीरियल पोर्ट। तो बच्चों जो यूएसबी पार्ट के जरिए जोड़ा जाता है, जो यूएसबी पार्ट होता है तभी उसमें हम लोग अपनी पेन ड्राइव लगा पाते हैं, क्योंकि हमारी पेन ड्राइव यूएसबी मोड पर ही बनी होती है। अगला क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में बच्चों शिफ्ट हो रहे हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ये तो सभी को पता है बच्चों, कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किया जाता है। ओ एल एक्स किसका उदाहरण है? ये डिजिटल फाइनेंशियल टूल से बच्चों, ओएस कंपनी टू कंज्यूमर, यानी कंपनी से कस्टमर के लिए ये ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो आपका सही विकल्प C2C है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने है, लिखा है इंटरनेट ट्रैफिक को कहा जाता है कंजेक्शन। इंटरनेट ट्रैफिक को कंजेक्शन कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आशय है, तो इसका सही विकल्प बच्चों यहाँ पे दिया गया है। अगर आप पढ़ते हैं यहाँ पे तो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट कार्य करता है। सॉफ्टवेयर का यही एक कार्य होता है, एक मतलब विशेष कार्य के लिए हर एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है, इसका यही मतलब हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने किया किसी की मदद करने के लिए डिजाइन किया जाता है, यहाँ पे केवल डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता विशिष्ट कार्य के लिए, किसी एक विशेष कार्य के लिए उसको बनाया जाता है बच्चों। NUUP का पूरा नाम क्या है? NUUP का पूरा नाम बच्चों नेशनल अनफाइड SSD प्लेटफॉर्म। तो इसका सही विकल्प ए नंबर। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने 55 क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं। टेक्स्ट का वह कौन सा एलिमेंट होता है जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मार्जिन को सेट करता है? उसे कहते हैं बच्चों जस्टिफाई, चारों तरफ बराबर रखता है। AES में S से क्या मतलब है? एक तरीके के बच्चों एक सिस्टम है, तो सिस्टम वाला ऑप्शन आपका सही होगा। डगडगो क्या है? डगडगो एक सर्च इंजन है, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इसी तरीके डगडगो है एक सर्च इंजन। आप गूगल करिएगा जिसमें आप देख पाएंगे, ये एक तरीके का सर्चिंग करने का काम करता है। मोबीक्विक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? भारत के द्वारा। बच्चों जी एक तरीके का एप्स है। अगला क्वेश्चन है बच्चों लिब्रा ऑफिस कैल्क में A1, A2, A3, A4 सेल में कुछ संख्याएं हैं, इन्हें ट्रांसपोज करने का पर सेल एड्रेस क्या होगा? तो इसका बच्चों सेल एड्रेस होगा A1, B1, C1, D1। तुरंत चेंज हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि जो रो में होगा वो कॉलम में हो जाए, तो कॉलम में होगा तो रो में कन्वर्ट कर देगा, जो ऑलरेडी कॉलम है तो ये रो में कन्वर्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है लिब्रा ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट फाइल का इंस्ट्रक्शन नेम क्या होता है? बच्चों OTS होता है इसका इंस्ट्रक्शन। लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? लिब्रेशन सेरिफ करके एक फॉन्ट होता है बच्चों। आप जब भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो वहां पे लिब्रेशन सेरिफ के नाम से एक ऑप्शन मिलता है, वह इसका सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है बच्चों लिब्रा ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बच्चों फुल स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे दबा दीजिए, आपकी लिब्रा ऑफिस में इसकी
आपकी स्क्रीन पूरी स्क्रीन पर दिखने लगेगी। जियो जी आई जियो का पूरा नाम क्या है? गीगाबाइट इन गीगाबाइट आउट। तो देखिए गीगाबाइट इन गार्बेज आउट। तो इन्होंने गीगाबाइट इन गीगाबाइट आउट होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे रॉन्ग आंसर छपा हुआ है, तो ये आपका सही विकल्प होगा यहाँ पे, जबकि गीगाबाइट इन गीगाबाइट आउट होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा लिब्रा ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट नेम स्टाइल होता है? लिब्रेशन, अभी ये बच्चों रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, लिब्रेशन सेरिफ, सी से डी को डी में सी में कन्वर्ट रखता है ये। अगला क्वेश्चन, आरएसएस का पूरा नाम क्या होता है? बच्चों ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आरएसएस का यहाँ पे मतलब दूसरा होगा, तो आप इसे कहते हैं रियली सिंपल सिंडिकेशन, रियली सिंपल सिंडिकेशन, इसका सही विकल्प बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई से संबंधित पीएसपी का पूरा नाम क्या है? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, जो पेमेंट की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं उन्हें कहते हैं पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। हम 67 क्वेश्चन में शिफ्ट हो गए हैं। निम्न में से किस प्रोटोकॉल को बंद करने के लिए सिफारिश की गई है, क्योंकि यह प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता के पासवर्ड और नाम को प्लेन टेक्स्ट में प्रसारित करता। तो एक टेलनेट कंपनी थी बच्चों, इसी के लिए सिफारिश की गई थी, टेलनेट सेवा थी, इसे कहते हैं टेलनेट कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसका सही विकल्प ये वाला हो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है मेकिंग मशीन इंटेलिजेंट, मेकिंग मशीन इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको क्रेडिट कार्ड के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही विकल्प है जॉन बेगिंस, जॉन बेगिंस डेबिट कार्ड के आविष्कारक है। तो ये कंप्यूटर जीके से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों, जीयूपी पीसीएल और आपके ट्रिपल सी बीसीसी जैसे ओ लेवल जैसे कोर्सों में ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बनते हैं, जिन्हें आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से बिग सर्च इंजन किसका उत्पाद है? बिग सर्च इंजन जो बनाया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया था। क्यूआर कोड का आविष्कार कब किया गया था? क्यूआर कोड का आविष्कार बच्चों 1994 में किया गया था। एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये सीएससी वाले जो यूज करते हैं वही ये सही विकल्प है इसका, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आप किसी भी कंप्यूटर को रिमोटिक लॉगिन द्वारा कर सकते हैं, उसका नाम है यूजिंग टेलनेट। ये एक ऐसी नेटवर्किंग है जिसको एक रिमोटिक लॉगिन द्वारा बनाया चलाया जा सकता है। लिब्रा ऑफिस कैल्क सेपरेट सीट में सेल को कैसे एडिट करने या सेल को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? इसका सही विकल्प बच्चों F2 होता है। F2 आप दबाइए, उस सेल पर कर्सर रखिए, F2 दबाइए और आपकी सेल एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 75 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। किसी भी फाइल में अधिकतर त्रुटियों को हल करने के लिए किस मेनू का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रा ऑफिस के अंतर्गत टूल्स मेनू में स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है बच्चों, वहीं से ये सही विकल्प किया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प है बच्चों आपका टूल्स। अगला क्वेश्चन है, माई स्पेस क्या है? माई स्पेस क्या है? माई स्पेस
एक सोशल नेटवर्किंग है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर 77 क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्ट्रोम है, इसका सही विकल्प है वी। अगला क्वेश्चन है एनईएफटी की स्थापना किस सन में की गई थी? तो इसकी स्थापना बच्चों 2005 में की गई थी, यानी 2005 में। अगला क्वेश्चन 79 है, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत तक का होता है? तो मैक्सिमम इसका जूम प्रतिशत होता है 3000 बच्चों। आप जब जाएंगे जूम वाले ऑप्शन में, जब वहां टाइप करेंगे 3000 तो मैक्सिमम वहां पे 3000 जूमिंग साइज होता है। अगला क्वेश्चन, अमेजोन किस प्रकार का है? अमेजोन एक तरीके का बिजनेस टू कंपनी है, मतलब एक बिजनेस है और उसमें कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब जो कस्टमर होते हैं वो बिजनेस करते हैं अमेजोन कंपनी के जरिए, अपना प्रोडक्ट को उस कंपनी के जरिए सेल करवाते हैं। क्रोम में जूम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? क्रोम में जूम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो बच्चों ये सभी को पता है। तो इसका जो सही विकल्प है Ctrl++, इसका सही विकल्प Ctrl++ ही है। आप क्रोम में Ctrl++ दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन जूम होने लगेगी। अगला क्वेश्चन है 82, क्लिपबोर्ड का क्या मतलब है? क्लिपबोर्ड का मतलब बच्चों यही है कि कट और कॉपी किए हुए टेक्स्ट को एक टेम्परेरी स्टोर करता है, इसका सही विकल्प यही होगा। ये तो सभी को आइडिया कि कट कॉपी के मैटर कहाँ स्टोर होता है, तो इसका यही मतलब होता है कि टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? सटोशी नमोटो, सटोशी नामकोटो, ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बिटकॉइन के फाउंडर की स्थापना की थी, और इसका बिटकॉइन एक करेंसी के रूप में जाना जाता है। बिटकॉइन के रूप में पैसे का लेन देन भी होता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक मनी होती है जो कि दिखाई नहीं देती है। IRCTC से टिकट बुक करने के बाद ईमेल आता है, हमेशा नहीं, कभी नहीं, कभी कभी, तो हमेशा आता है। जब भी आप टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन, कोई भी चीजें होती हैं, बुकिंग होती है, अगर उसमें कॉन्टेक्ट नंबर या ईमेल पड़ता है तो उसके जरिए बच्चों हमको मैसेज हमेशा मिलता है। 85 क्वेश्चन है, इक्वल सम ब्रैकेट 5.2 ब्रैकेट बंद का मान क्या होगा? तो बच्चों ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जोड़ने के लिए, ये सही फार्मूला है। तो 5 और 2 को जोड़ दिया जाता है तो कितना होता है बच्चों? 7। ईमेल भेजना किसके समान है? पत्र लिखना, फाइल भेजना, पैकेज भेजना। तो ईमेल भेजना किसके समान होता है? फाइल भेजने के समान, सॉरी पत्र लिखना, सॉरी हाँ फाइल तो नहीं होती, एक पत्र होता है। ईमेल जैसे हम लोग डाकिया ऐसे ऑफलाइन भेजा करते थे, उसी तरीके हम लोगों ने पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखना ही कहलाता है ईमेल भेजना। IM का पूरा नाम क्या है? इंस्टॉल मैसेजिंग। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने, सिटी में कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है? सिटी में बच्चों एक शहरी नेटवर्क होता है, वो होता है मैन नेटवर्क।
यही एक नेटवर्क है जो मेन एरिया में एक शहर में चलता है। लोकल के लिए लैंड विश्व स्तरीय नेटवर्क वाइन को यूज किया जाता है। 89 क्वेश्चन में हम लोग बच्चों शिफ्ट हो गए हैं। इसमें लिखा है सेल को एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो अभी मैंने फिलहाल रिपीटेड क्वेश्चन है, F2 होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों IFSC का पूर्ण रूप क्या है, IFSC का पूरा नाम क्या है, इसे कहते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला क्वेश्चन है डीमैट अकाउंट का क्या उपयोग होता है, डीमैट अकाउंट का क्या उपयोग होता है, डीमैट अकाउंट का उपयोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए किया जाता है, शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 92, इसमें लिखा हुआ यूजर द्वारा कंप्यूटर को एक बार निर्देश देने पर दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, प्रयोग उससे एक गुण को दर्शाता है, एक किस गुण को दर्शाता है, अक्यूरेंसी शुद्धता, मनरेगा किससे संबंधित है, रोजगार से, समाचार से, इंटरनेट से, या इनमें से कोई नहीं। तो रोजगार से बच्चों संबंधित है, ये एक जीके का क्वेश्चन है। लिब्रा ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की कुंजी मैंने अभी बता दी है, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया फिर से, Ctrl+Shift+J होती है। गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम एक तरीके का बच्चों ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो बच्चों कंट्रोल के साथ बड़ा ब्रैकेट टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी। अमेरिका एक्सप्रेस में CVV कितने अंक का होता है, ये बच्चों 4 अंक का होता है। बफर क्या है, बफर बच्चों एक तरीके की मेमोरी होती है, इसकी गति मेन मेमोरी से कम होती है, यानी इसका सही विकल्प बी होगा। हम लोग बच्चों 99 क्वेश्चन में आ चुके हैं, इसमें लिखा RTGS में अधिकतम कितना रुपया सेंड कर सकते हैं, बच्चों इसमें अधिकतम दिखाया गया है 2 लाख से ऊपर असीमित तक, मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है, ई बैंकिंग तो आप जानते हैं ई कॉमर्स जो है, तो ये बैंकिंग से रिलेटेड है, कोई ऑनलाइन अर्चन तो है नहीं, नहीं कोई रुपया ट्रांसफर है, ये बैंकिंग का सारा सेवाएं होती हैं, तो बैंकिंग से जुड़ा होगा, तो इसका सही विकल्प बच्चों सी होगा। तो बच्चों आज की क्लास फिनिश होती है, फिलहाल बच्चों मेरा टाइम फिनिश हो रहा है, मिलते हैं बच्चों नए क्वेश्चन के साथ, जिससे हम आपको इस बार अप्रैल में अच्छे मार्क्स से CCC क्रैक करा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें के सारे क्वेश्चन एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से रीडिंग करें, पूरा प्रयास रहेगा आप अच्छे मार्क्स से क्रॉस कर पाएंगे इस बार CCC को।